الشيطان الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إزلاء السماء ذات وبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम कि जिसके कब्जाए कुदरत में कायनात का हर निजाम है। दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पच्चीस सफर 1430 हिजरी की बसिलसिलाए शहादत सरवरे कौने सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवासे रसूल बोला हसन सब गवाह की शहादत की मजलिस आप हजरात मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल में समाप्त फरमा रही। अगर आप लोग ये सोच के ना बोले तो याद रखिएगा कि हमारे यहां तादाद की कोई अहमियत नहीं है। हमारे यहां तादाद की कोई अहमियत नहीं। हमारे यहां अगर अहमियत है तो वो सिर्फ मोहब्बत की। इसलिए मोहब्बत की अहमियत और ये शेर सिर्फ आपकी नजर कर रहा हूं याद आ गया कि कजा भी कांप जाती है बलंगों की हवेली में। तो सब सबको बोलना चाहिए आपके लिए शेर पढ़ा हूं। कजा भी काम जाती है मलंगों की हवेली में और मुसीबत में मोहब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। कजा भी काम जाती है मलंगों की हवेली में और मुसीबत में मोहब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। तुम्हें ये है गलत फहमी कि हम मिट जाएंगे तुमसे। हमारे हाथों लाखों से 72 जीत जाते हैं।
तो अगर आप सोच के ना बोले और पैगाम दिया हमारे यहां तो अहमियत नहीं, पैगाम दिया शब आशूर। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं की मैंने, सिर्फ आपके लिए आपकी खामोशी देख पैगाम दिया मौला हुसैन ने शब आशूर के, जिसने जाना है वो चला जाए, जो जो अब्बास चराग बुझा जा, और मौला ने कहा जिसने जाना है वो चला जाए। थोड़ी देर बाद बस एक जुमला मैंने कहना है जिसके लिए ज़हमत दे रहा हूं आपको। थोड़ी देर बाद मौला ने कहा अब्बास चराग को रोशन कर। अब देखा कि मंजर ही बदला हुआ है। हबीब जो बूढ़ा था, खुदा के लिए जुमलों की कदर कीजिए। हबीब जो बूढ़ा था, जिसकी बवें लटक रही थी, उसने बवें अपनी रुमाल से बांधी है, जिसकी कमर झुकी थी, पटका बांध के कमर को सीधा किया है, और वो कह रहे थे कि मौला हमें पता है, हमें पता है कि जन्नत आपके साथ मिलकर जिहाद का नाम नहीं है, बल्कि अपने घर से जो चल के आपके दरवाजे पे आ गया जन्नत उसकी हो गई। तो आप लोग हुसैन के दरवाजे पे और मांगा करे दुआएं हुसैन के दरवाजे पे। और सबसे पहले डीआई खान में हमारे मोमिनीन के साथ जो जुल्म और ज्यादती हर जगह हो रही है, हम इस मेंबर से उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मातम की, हमारे जुलूसों की, हमारे मजालिस की, हमारे उल्मा की, हमारे हर मोमिन की, हर मुसलमान भाई की हिफाजत की जाए। इसलिए कि हम लोग बेजमीन नहीं हैं। ये इस फोरम पे मैं आज मजलिस शुरू करने से पहले बात कर रहा हूं कि हम लोग बेजमीन नहीं हैं। हम लोग मातम हुसैन करते हैं, हम लोग मजलिस हुसैन करते हैं, और मजलिस हुसैन दर्द है, मजलिस हुसैन दर्द है तमाम दुनिया के लिए। और जिस मुल्क में मजलिस हुसैन होती हो, और जिस मुल्क में अब्बास के अलम का साया हो, और जिस मुल्क में गाजी का मातम होता हो, और जिस मुल्क में हुसैनी हो, तो याद रखिए और लश्कर यजीद को मुखातिब करके वसीम शिराजी अपनी गरजदार आवाज में कह रहा है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, मुल्ला उमर का अफगानिस्तान नहीं है। मैंने इस मजलिस अज़ा के लिए सूरह बनी इसराइल की एक आयत की तलावत का शर्फ हासिल किया। बड़ी मशहूर और मारूफ आयत कि यौमा नदो कुल्लो नासिम बइमामे, कि हम कयामत के दिन, तवज्जो है, हम कयामत के दिन यौमे निदा के दिन, डे ऑफ जस्टिस के दिन, अदल के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे।